नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है सरसों की खली। सरसों की खली से हम लिक्विड एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और समय समय पर अगर हम 10 से 15 दिन के अंदर, गर्मियों में 20 दिन के गैप से और सर्दियों में 10 या 15 दिन के गैप से अगर हम इसको देते रहें तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। फलदार पौधों पे फल अच्छे आते हैं और वेजिटेबल्स, और ये भी अच्छी मतलब इनमें ग्रोथ होती है और फल भी अच्छे लगते हैं। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सरसों की खली, और सरसों की खली के छोटे छोटे टुकड़े बना के आप इसके लिए दोस्तों हमें 10 या 20 ग्राम मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से, हमको इसका ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि ये गर्म होती है दोस्तों। तो इसको हम थोड़ी मात्रा में लेंगे, इसको भिगो एक कप के अनुसार आप इसको ले सकते हैं, 10 या 20 ग्राम ले सकते हैं। अगर 8-10 गमले हैं तो उसको टुकड़े करके सारी रात इसको मैंने 2 लीटर पानी में इसको भिगो के रखा है, और इसको भिगो के 2 दिन तक आप इसको भिगो के रखो। तो अब 48 आवर तक इसको आप भिगो के रखना है, फिर जब हम इसको यूज़ करते हैं ये अच्छी तरह से उससे पहले मतलब ये घुल जाएगी पानी में। फिर 2 दिन के बाद आप इसको इसके 10 गुना ज़्यादा पानी में हम इसको मिला लेंगे। इसके लिए मैंने जैसे कि 2 लीटर पानी था उसको 20 लीटर पानी में मैंने मिलाया और उसको सिंपली गमलों में डाल दिया। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा ये होता है कि इसको जड़ें आसानी से एब्जॉर्ब करके पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है, क्योंकि ये सीधी जड़ों के द्वारा पौधे तक पहुंचती है। और ये लिक्विड होता है, जैसे पानी डालने से कोई मुरझाया हुआ पौधा एकदम से खिल जाता है, उसी तरह जब हम सरसों की खली का खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं तो जड़ें उस फर्टिलाइज़र को सीधे एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंच जाती हैं, और जिससे पत्तों को सीधी ताकत मिलती है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो ताकत 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पौधों में दिखाई देगी। फल अच्छे आएंगे, पौधों का कलर एकदम से पत्तों का डार्क हो जाएगा और ये एकदम हेल्दी दिखने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही हम जो हमने गाढ़ा इसका पानी था उसको बिल्कुल पतला कर देना है। गर्मियां हैं तो बहुत हल्का मतलब गाढ़ापन इसको कम करके पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाना है, और गर्मियां हैं तो 20 दिन के गैप से हमें ये फर्टिलाइज़र देना है। इसके साथ साथ आप दूसरे फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, परंतु 10 दिन के का गैप रखे हर फर्टिलाइज़र में। जैसे ही हम इसको पतला कर लेते हैं तो एक एक डब्बा ज़रूरत के अनुसार से, अगर पौधा बड़ा है तो आप 2 डिब्बे डाल सकते हैं इसके फर्टिलाइज़र के, और आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते दोस्तों। तो जितना भी ज़रूरत हो उतना ही बनाएं, और जब किसी बेल पे फल आ रहे हैं या आप किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तब तो इसको देने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उस पौधे को, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिशन हैं और इसमें इतने पोषक तत्व के जो पोषक तत्व हैं वो सीधे उस पौधे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उस समय उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं, वो एकदम से शोक में चला जाता है। और जैसे ही हम उसके जड़ों में ये लिक्विड डालेंगे तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसको पानी के ज़रिए ताकत मिल जाती है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई करना अपने पौधों में, और जैसा भी आपको रिस्पॉन्स मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।